أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات پڑھیں محمد وآل کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جب ہم کائنات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے جو نمونے ہیں واقعات ہیں وہ ہمارے دل میں دماغ میں ہمارے باطن میں یقین اعتماد اور بھروسے کی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں اور ہم ان واقعات کو جو مالک نے ایسے ایسے کمزور اور بے نوا انسانوں کو منزل کمال پر پہنچا دیا اور ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ان حالات اور واقعات میں ہم اپنے لیے عبرت تلاش کریں اور یہ غور کریں کہ جو یوسف کو کنویں سے زندہ نکالنے والا ہے، جو یوشع بن نون کے لیے سورج کو پلٹانے والا ہے، جو کمزوروں کا پالنہار ہے، جو ظالموں کی کمر توڑنے والا ہے، اگر ہم اس پر بھروسہ کریں گے اور اس کی ذات پر توکل کریں گے تو کیا وہ ہمیں محروم چھوڑ دے گا؟ اور اس نے تو خود ہی قرآن مجید میں واضح طور سے کہہ دیا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا يَكْشِفُ السُّوءَ، ذرا کوئی ایک تو بتاؤ جس نے ہمیں پکارا ہو اور ہم نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا ہو، حاجت کو پورا نہ کیا ہو، کوئی پورے جہان میں پوری کائنات میں کوئی ایک لے کے آؤ جس کی حاجت ہو اور ہم نے اس کی حاجتوں کو رد کر دیا ہو، اور کوئی ایک کائنات میں کوئی مخلوقات نکال کے لاؤ جس کو بے نوا یا غریب و کمزور و فقیر چھوڑ دیا ہو یا بھوکا رہ گیا ہو، جوڑتے ہوئے فضاؤں میں پرندوں کو غذا پہنچاتا ہے، خالق و مالک ہے۔ یہاں تک کہ ہم ان واقعات پر غور کریں جو ہماری زندگی میں بے پناہ بدلاؤ لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، اور جب اس پروردگار پر بھروسہ ہو جائے جو ایسی قدرتوں کا مالک ہے کہ جس کی قدرت میں زوال نہیں کمزوری نہیں، جب ہم اس پر بھروسہ کر لیں گے تو واقعاً ہمیں وہ عزت ملے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے،
इसलिए कि जब हम कमजोर पे भरोसा करते हैं तो कमजोरी का एहसास रहता है, और जब हम ताकतवर पे भरोसा करते हैं तो फिर इंसान कुव्वतमंद हो जाता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार रहे थे तो मार खाते खाते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुराए तो भाइयों ने ऐसी हालत में इंसान फौरन पूछेगा कि भाई तुम मुस्कुराए क्यों। फौरन जनाब यूसुफ से उनके भाइयों ने मालूम किया कि ये मुस्कुराने का सबब क्या है, आप क्यों मुस्कुराए। जनाब यूसुफ ने कहा कि छोड़िए, जाने दीजिए बात। कहा नहीं, सबब तो तुम्हें बताना होगा कि आप मार खाने के बाद मुस्कुराए क्यों। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मुझे बहुत प्यार से लेके आ रहे थे बाबा से जुदा करके, और मेरी हमदर्दी में तुम बड़े बड़े लफ्ज बोल रहे थे और बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जरा सी देर के लिए मेरे जहन में यह ख्याल पैदा हुआ कि जिसके इतने अजीम भाई हो मोहब्बत करने वाले जवान, भला उसको दुनिया की नजर क्या दुश्मनी की निगाह से देख सकती है। अब मैं समझा कि अल्लाह पर, अल्लाह के गैर पर या अल्लाह के अलावा थोड़ी सी देर के लिए किसी पे भरोसा किया था, उसका नतीजा ये मिल रहा है, तो इससे पता चला खुदा के अलावा कोई भरोसे के लायक। बात तो ये बड़े कायदे की थी, एक सलवात हो जानी चाहिए थी। मैंने थोड़ी देर के लिए गैर खुदा पे भरोसा किया, थोड़ी देर के लिए, नतीजा क्या निकला, जो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे वही दुश्मनी की निगाह से देखने लगे। वो तो खुद कुदरत ने बचा लिया, मालिक ने बचा लिया, वरना उनका तो मुकम्मल इरादा ये था कि यूसुफ को सफाए हस्ती से मिटा दें, मगर यूसुफ का बच जाना इस बात की दलील है कि जिसे खुदा बचाना चाहता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता। और खुद नहजुल बलागा में इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलवात पढ़िए, नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे में आप इरशाद फरमाते हैं, देखो जिसका दुश्मन खुदा हो जाए उसके दोस्त बचा नहीं सकते, अगर सारी कायनात भी मेरी दोस्त हो जाए और मुझे बचाना चाहे तो मुझे बचा नहीं सकते। खुतबा गर्रा में भी आपने यही तस्वीर खींची, और कुरान मजीद ने भी यही कहा, इजा बलगतिल हुलकूम, जब मौत तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है तो जितने भी तुम्हारे भाई बंद रिश्तेदार हैं सबको इल्तिमास की निगाहों से देखते हो, कोई मददगार साबित हो जाता, मगर ये मददगार तो नहीं, ये तो रो तो सकते हैं बचा नहीं सकते हैं, ये इल्तिजा तो कर सकते हैं मगर बचा नहीं सकते। सब जितने भी हैं भाई बंद रिश्तेदार सब आके, जवान बच्चे बेटी बेटियां नवासे छोकरे पोतियां सब आके जमा हो जाए, कोई मुझे मौत के पंजे से निजात दे सकता है। मैं सबसे निजात की भीख मानता हूं आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में, और हर एक से कहता हूं अगर हो सके तो मुझे बचा लो, मगर ना दौलत काम आती है, ना माल काम आता है, ना औलाद काम आती है, ना रिश्तेदार काम आते हैं, ना ताल्लुकात काम आते हैं, ना दोस्ती काम आती है, ना असलहे काम आते हैं, ना लश्कर काम आते हैं, ना सरदारी काम आती है, कोई चीज काम आने के लिए तैयार नहीं है। और दुनिया की बिसात मुझे बता रही है कि बस मैं इतनी ही हूं, इससे ज्यादा मुझ पर भरोसा, इससे ज्यादा मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बचा सकता है तो बचा ले। कितने बड़े बड़े नमरूद दुनिया से चले गए, कितने बड़े बड़े जालिम दुनिया से चले गए, कोई किसी को बचा सका, ना दौलत काम आई है ना औलाद काम आई है। इसी की तस्वीर खींचते हुए खुतबा गर्रा में बहुत अजीम पैगाम अमीरुल मोमिनीन ने सुना है, खुतबा गर्रा अगर मौका मिले तो पढ़िएगा इंशाल्लाह, जितना आप पढ़ सकते हैं जितना समझ सकते हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब हम खुतबा गर्रा का मुताला करते हैं तो एक बहुत जबरदस्त चैप्टर
जो इमाम ने उसमें शुरू किया, कल बात शुरू हो गई थी मगर शुरू होते होते वक्त तमाम हो गया था। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान, ऐ औलाद आदम, जब तुझे परवरदिगार आलम ने रहम मादर में मुंतकिल किया और शिकम मादर में परवरदिगार आलम ने तेरी तस्वीर बनाई और तुझे इंसान की सूरत में परवरदिगार आलम ने खल्क कर दिया, रहमत खुदावंदी के तकाजे तो यहीं से तेरी जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। तेरे लिए जब बच्चा बना के तुझे जमीन पे लाया तो तेरे आने से पहले उसने तेरे रिज्क का इंतजाम कर दिया और तेरे रिज्क का ऐसा इंतजाम किया कि जो तेरे मुंह की बनावट के मिजाज हिसाब से भी था और तेरे बदन की शक्त के मिजाज के हिसाब से भी था, जो ना तेरे पेट को नुकसान पहुंचाए, वरना अगर सख्त गिजा खिला देता तो तेरा पेट खराब हो जाता और अगर बहुत ज्यादा कमजोर गिजा खिला देता तो तेरी कलाइयों में ताकत ना आती। मालिक ने तेरे मिजाज के मुताबिक तुझे गिजा दी, तू तो जिंदगी भर मां के उस कतराए दूध का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जो मालिक ने तुझे आगोश मादर में पिला दिया है। और जरा गौर तो कर, जब मालिक ने तुझे दूध आगोश मादर में पिलाया, ये गिजा का निजाम इतना इंतजाम है कि जब बच्चा शिकम मादर में रहता है तो वही जरसू में या वही गिजा जो एक आंत के जरिए से बच्चे के पेट में जाती है, जिसके जरिए से वो परवान चढ़ता है, वही जरसू में मां के पिस्तान की तरफ रुख कर लेते हैं और वही खून दूध की सूरत में तब्दील हो जाता है और मां के आगोश में परवरदिगार आलम बच्चे के लिए दूध के धारे बहा देता है। जरा सोचे तो सही, इमाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की सारी ताकत मिलने के बाद भी अगर ऐसा टॉनिक पैदा करना चाहे जैसा मां का दूध है तो सारी ताकत बेकार हो जाएगी, दूध का मुकाबला नहीं कर सकती। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा गौर तो करें कि मालिक ने कैसी कैसी नेमतें दी हैं, कैसी कैसी इज्जतें दी हैं, ये दूध मेरे बदन में। और फिर कुरान भी इस दूध की नेमत का तज़किरा करते हुए कहता है कुरान मजीद में, नुस्कीकुम, हमने तुम्हें दूध से सेराब किया है, दूध से। और फिर कहता है इसको हमने गोबर फुजले और खून के दरमियान से निकाला। और जरा बताओ तो सही, क्या इसमें कोई बदबू है? बल्कि तुम्हारी सेहत जान के लिए, तुम्हारे दिल के लिए, जब तुम दूध पीते हो तो तुम्हारे दिल को कुव्वत पहुंचती है, बदन को ताकत पहुंचती है, बताओ तो सही। और फिर कुरान मजीद में जब हम गौर करते हैं, हम देखते हैं कि यही घास जो दूबड़ वगैरह है, यही अपने आप में जो चारा है, कितनी मामूली सी गिजा है और खुदा ने इस मामूली सी गिजा से कितना अजीम दूध पैदा किया है। जरा हम गौर करते हैं, अगर देखें तो इस चारे में दूध मौजूद है, मगर जरा सी तरतीब से जब वो चारा तब्दील हो जाता है और जानवर के बदन में पहुंच जाता है, चारा दूध बन जाता है और दूध को इंसान सेराब हो जाता है। और इंसान के लिए खुद कहा, शायगन लिशारेबीन, शायगन लिशारेबीन, जो पीने वालों के लिए खुशगवार भी है और जायकामंद भी है, ऐसी इज्जत परवरदिगार आलम ने इंसान को अता की है। जरा हम गौर तो करें कि मालिक ने कैसी नेमत दी है, हमें दूध से सेराब कर दिया। और जब दूध से सेराब सेराब कर दिया तो इसी दूध से मालिक ने रिश्ते भी पैदा कर दिए, रिश्ते बना दिए। और इसी दूध के जरिए से मेरा गोश्त गोश्त बनता है। और इतना ही नहीं है कि मुझे दूध से सेराब कर दिया, बल्कि खुदा की कसम तजर्बे में यह बात आ चुकी है कि अगर बच्चा रो भी ना रहा हो और बच्चा भूखा हो, जब बच्चा बच्चे को भूख लगती है तो मां को एहसास हो जाता है कि उसका बच्चा भूखा है। यह एहसास क्यों होता है? इसलिए कि जो अमानत परवरदिगार आलम ने रिज्क की सूरत में मां के आगोश में रखी थी, वो अमानत करवटें लेने लगती है कि मैं अमानतदार तक जाना चाहती हूं, मेरा वक्त आ गया है कि मुझे पहुंचा दो। जो ऐसा राजिक है कि शिकम मादर में भी खिलाता है, आगोश मादर में भी पिलाता है, उसकी रज्जाकियत पर आज भरोसा नहीं कर रहे।
कोई जर्रे के बराबर मुझे टेंशन ना आए, कोई जर्रे के बराबर मुझे गम ना हो। जब मैंने ये कह दिया कि मेरा रब परवरदिगार है, इमाम अली पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आए, और अल्लाह के नबी की खिदमत में आने के बाद आपने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के नबी कोई नसीहत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, या अली ये कहो कि खुदा मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, और बस इस पे साबित कदम हो जाओ, यानी दिल की गहराइयों में ये यकीन कर लो कि खुदा मेरा रब है। जब उसे रब मान लिया है जो किसी से दबता नहीं है, तो फिर डरने की जरूरत कहां बाकी रह गई। वही तो मेरा रब है, वही तो मेरा पालनहार है। तो जो इतने नजदीक से मुझे रिज्क खिला देता है, मेरे लिए रिज्क के दस्तरखान बिछा दिए, और फिर ये रिज्क जो मैं निवाले और लुकमे के तौर पे खा रहा हूं, बजाहिर अगर देखा जाए तो मिट्टी ही तो है। सारी नेमतें जितनी आप खा रहे हैं, अंडे की नेमत हो के दूध की नेमत हो के गिजा की नेमत हो के चावल की नेमत हो के दाल की नेमत हो, सब जमीन ही के जरिए से तो पैदा हुए हैं। जरा गौर तो करें, बजाहिर मिट्टी ही तो है। अगर देखा जाए, तहकीक किया जाए तो मिट्टी ही तो है। मिट्टी ने अपनी ताकत दाने पे निसार की, दाना फूला फला परवान चढ़ गया, और परवान चढ़ने के बाद तैयार हो गया। बाजाहिर मिट्टी ही तो है, बस मालिक ने जरा सा बदल दिया। जो मिट्टी को जरा सी तब्दील करके रिज्क बना सकता है, वही मेरा खालिक व मालिक है। जरा सी तब्दील हुई मिट्टी, गेहूं बन गया, चावल बन गया, अनार बन गया, अंगूर बन गए। अगर हकीकत में जाए तो मिट्टी ही तो है, और अगर मैं भी अपनी हकीकत में जाऊं तो मैं भी मिट्टी ही हूं। मैं दाना गंदुम गेहूं चावल जब मेरे वालिद मोहतरम ने इन सब को खाया तो जवान हुए, और जब जवान हुए तो इन्हीं गेहूं और चावल के जरिए से खून पैदा होता है, और खून के सर्कुलेशन से नुतफा पैदा होता है, और नुतफे में अल्लाह ने नस्ल रखी है, तो इसी गंदुम में नस्ल है, इसी गेहूं में नस्ल है, इसी दाल में नस्ल है, इसी चावल में नस्ल है। सोचो इस्लाम का कितना बड़ा एहसान है जिसने सबसे पहले यह कहा, गिजा को पाक कर लो ताकि नस्ल पाक हो जाए। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो इस्लाम ने कितनी सबसे ज्यादा जोर जो जिस बात को दिया है वो गिजा के सिलसिले में दिया है। सबसे बड़ी इबादत गिजा की तहारत, गिजा की पाकिजगी, गिजा का हलाल होना। सबसे बड़ी इबादत हलाल गिजा का हासिल करना। सबसे बड़ी इबादत यह है इस्लाम में कि हलाल गिजा हासिल हो जाए। सवाल किया गया अल्लाह के नबी से, इबादत के कितने अरकान हैं, कितने रुकन हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया 70, और 69 अरकान हलाल गिजा हासिल करने में है। क्यों? इसलिए इसी में औलाद है, इसी में नस्ल है, इसी में खून है, इसी में रिश्ते हैं। तो अगर गिजा पाक हो जाएगी तो औलाद पाक हो जाएगी। तो मैं लुकमाए चावल नहीं खा रहा हूं, मैं गंदुम नहीं खा रहा हूं, मैं तो नस्ल को अपने अंदर उतार रहा हूं। लिहाजा लुकमा पाक कर लिया जाए ताकि गिजा पाक हो जाएगी तो औलाद पाक हो जाएगी। इस्लाम की इन छोटी छोटी बातों पर बहुत तवज्जो रखें। गिजा पाक कर लो, तुम्हारी गिजा पाक और पाकिजा होनी चाहिए। अगर यही गिजा पाक हो जाए तो इंसान नबी बन जाता है, इंसान मरियम बन जाती है औरत की शक्ल में, इंसान हवा बन जाती है, इंसान जो है पारसा बन जाता है, इंसान बहुत अजीम बन जाता है, इंसान अली बन जाता है, इंसान वली बन जाता है, इंसान हसन हो जाता है, इंसान हुसैन हो जाता है। और अगर गिजा हराम हराम हो जाए तो हुसैन फरमाते हैं, कद मोले बतून कुम मिनल हराम, तुम्हारे पेटों में जो हराम गिजा है इसलिए तुम मेरे कत्ल उभर रहे हैं। यानी गिजा मालिक से मिला देती है और गिजा ही जमीन में बर्बाद कर देती है। तो गिजा को पाक कर ले ताकि सोच पाक हो जाए, फिक्र पाक हो जाए, शऊर पाक हो जाए। यह गिजा कितनी बड़ी दौलत है।
इस्लाम ने एक जुमले में कितना बड़ा पैगाम दे दिया। अगर सदियां बीतने के बाद रिसर्च की जाती तो सदियों में इतना बड़ा पैगाम ना मिलता जितना इस्लाम ने एक जुमले में कह दिया कि भाई गिजा पाक कर ले, इस गिजा में तेरी नस्ल मौजूद है, गिजा पाक कर ले। और जब मेरी नस्ल मौजूद है तो इसीलिए इस्लाम ने कहा अगर कोई शहीद है तो वो तो मां के शिकम में ही शहीद है, और अगर कोई बुरा है तो वो तो मां के शिकम में ही बुरा है। इसलिए कि नस्ल को जब हम मुंतकिल करते हो तो नस्ल कितनी अजीम होती है कि कुदरत ने मुझे कैसी कैसी नेमतें दी, रिज्क दिया। इस दाना धुल का भूसा चौकर को मेरी गिजा बना दिया, मेरे लिए मसलन खून बना दिया, मेरे लिए अक्ल बना दिया, मेरे लिए शऊर बना दिया। और फिर कुदरत अपनी कुदरतों का ऐलान करते हुए कहती है कि जरा होश में आ जाओ, और होश में आने से पहले कुदरत कहती है कि गौर करो, ये ना तसव्वुर कर लेना कि जब हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, या इतने गुनाह लोगों ने किए हैं, एक ही जगह हजार लोगों ने गुनाह किए हैं, तो हमारा हिसाब और किताब कैसे होगा। मसलन फर्ज करें एक ही जगह है, एक ही अंदाज है गुनाह करने का, सैकड़ों साल से वहां एक ही अंदाज में गुनाह हो रहा है, तो गुनाह अपने असर छोड़ देती है और खुदा असरात के जरिए गुनाहगारों को पहचानेगा, गुनाहगारों की शनाख्त असरात के जरिए होगी। अब जब तरीका भी गुनाह का एक ही है, जगह भी एक ही है, लोग बदल रहे हैं, तो असरात तो बिल्कुल उसी तरीके पर रहेंगे, तो फिर कैसे पहचाना जाएगा कि इस वक्त में किसने गुनाह किया था, कौन था जिसने इस तरीके का। मसलन फर्ज करो एक ही जगह पर कुछ न करोड़ों लोगों ने वही गुनाह अंजाम दिया, मुमकिन है ऐसा? जब वही गुनाह करोड़ों लोगों ने अंजाम दिया एक ही जगह पर, और कुरान कहता है कि गुनाहों के असरात से गुनाहगारों को पहचान लिया जाएगा, तो एक ही तरीके का गुनाह, एक ही अंदाज, एक ही बिस्तर, एक ही तरीका। गुनाह और नेकियों के तरीके में कोई फर्क नहीं होता, तरीका दिल की गहराइयों में जो नियत होती है वो अमल को पाकीजा बना देती है, वही अमल को नजीस बना देती है। मसलन मिसाल के तौर पर कत्ल और जिहाद दोनों में फर्क क्या है? दोनों में चलती तो तलवार ही है, लेकिन एक को कहा कत्ल है, दूसरे को कहा जिहाद है। कत्ल को हराम करार दिया, जिहाद को वाजिब करार दिया है? जिना और दौजियत में क्या फर्क है? अंदाज तो एक ही है, लेकिन एक को अल्लाह ने अपनी इबादत का दरिया करार दिया और एक को जिना करार दिया। तो नेकी और गुनाहों के अंदाजे करने के अंदाज में कोई फर्क नहीं होता, अंदाज को अंदाज में कोई फर्क नहीं होता, अमल को मजबूत नियत बनाती है। अमल नियत के ऊपर है। मसलन हम पे गुस्ल वाजिब भी है, मुस्तहब भी है। सर सोचे, जो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं उस पर तवज्जो दें। हम पे गुस्ल वाजिब भी है, मुस्तहब भी है। गुस्ल की दो किस्में, एक गुस्ल इत्तेमासी और एक गुस्ल तरतीबी। गुस्ल तरतीबी का तरीका यह है कि सर और गर्दन धो लिया जाए, दाया हिस्सा धोया जाए पाए को मिला के, और बाया हिस्सा साफ किया जाए दाए को मिला के। यह आपका तीन लोटों में गुस्ल हो गया, चार लोटों में हो गया। एक लोटे से सर और गर्दन धो लिया, एक लोटे से दाया हिस्सा, एक लोटे से बाया हिस्सा, ये आपका गुस्ल हो गया मुकम्मल। गुस्ल इत्तेमासी का तरीका यह है कि आप नियत, मसलन किसी हौज में आप होता जन हो जाए, गुस्ल हो गया। लेकिन ये गुस्ल उस वक्त होगा जब आपने नियत की कि मैं ये काम कुर्बतन इलल्लाह कर रहा हूं। नियत यानी फिक्र, नियत यानी शऊर, नियत यानी इरादा। जब आपने ये काम किया कि मैं ये काम कुर्बतन इलल्लाह अंजाम दे रहा हूं, तो अगर आपने जरा सी नियत ना की, यही छोटा सा तसव्वुर, यही छोटी सी फिक्र कि मैं ये काम कुर्बतन, तो आप समंदरों में लेते रहिए पाक नहीं हो सकते, आप लोटों पे लोटे डालते रहिए पाक नहीं हो सकते, आप हजार लोटे ऊपर डाल दीजिए पाक नहीं हो सकते। पता लगा भाई पानी नहीं पाक करता,
नियत पाक करती है, और आपने नियत करके कुर्बतन अल्लाह बस एक लोटे से गर्दन धोली, एक लोटे से दाया हिस्सा, एक लोटे से बाया हिस्सा। पानी जाहिरी निजासत को तो पाक कर सकता है, बातनी निजासत को नियत पाक करती है। अगर नियत अच्छी है तो अंदर से बातिन पाक है, और अगर नियत अच्छी नहीं है तो अंदर से बातिन पाक नहीं हो सकता। इसलिए हमसे जबान से कहा कि दिल में इरादे के साथ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो बातिन पाक हो जाएगा, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे तो जाहिर पाक हो जाएगा, और जब अलीयुन वलीयुल्लाह कहेंगे तो नस्ल पाक हो जाएगी। एक सलावत पढ़ रहे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो जब इस तरीके से हमसे कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अंदर से पहले अपने आप को मजबूत करो, अंदर की नीयत पाको पाकीजा हो, और जब अंदर की नीयत पाको पाकीजा होगी तो उस एतबार से इस कायनात में जितनी भी मेरे आमाल हैं सब नीयत से दारोमदार ताल्लुक रखते हैं। तो मालिक ने मुझे नेमतें दी तो अब खुदा कैसे पहचानेगा कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में अलग अलग वक्तों में एक ही अंदाज में गुनाह हुए। यहां मुफस्सिरीन कहते हैं कुरान की तफसीर करते हुए, जरा अपने अंगूठे को देखो, और अंगूठे को देखने के बाद मुफस्सिरीन कहते हैं सब इंसानों के अंगूठे के बनने की बनावट एक जैसी है, सूरत एक जैसी, अंदाज एक जैसा। लेकिन अब मुफस्सिर कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, मगर इस अंगूठे के अंदर जो निशानात हैं वो किसी इंसान से किसी इंसान के मिलते ही नहीं, अरबों इंसान हो के करोड़ों इंसान हो, और जब से दुनिया पैदा हुई है आज तक किसी के अंगूठे के निशान किसी से मिलते ही नहीं है। तो अब यहीं पर कुदरत मुस्कुरा के कह रही है कि जो एक ही सूरत और शक्ल में अलग अलग लकीरें और निशान पैदा कर सकता है वो मुजरिमों को भी कयामत के रोज पैदा कर देगा, पहचान लेगा। और फिर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जरा गौर तो करो, हमने 20 साल पढ़ा, मसलन 40 साल पढ़ा, और 40 साल में पढ़ के एक साइन बनाया था भाई साहब ने, और साइन चोरी हो सकता है, पता लगा जो हम हासिल कर सकते करते हैं वो चुराया जा सकता है, मगर जो कुदरत अता करती है चुराया नहीं जा सकता। जब लकीरें नहीं चुराई जा सकती तो इल्म इमामत कहां चुराया जा सकता है, जब लकीर नहीं चुराई जा सकती तो खिलाफत चुराई नहीं जा सकती। गस्म और है अता और है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो गस्म और है अता और है। तो इस लिहाज से मैं अपनी जिंदगी में जरा गौर करूं, और फिर कभी कभी यह ख्याल भी जहन में आता होगा मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, जल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, कैसे दोबारा उठाएंगे, कैसे ये बदन के जूज मिट्टी में से दोबारा जमा हो जाएंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं इस सिलसिले में कि अगर हम आपसे सवाल करें, आपसे मालूम करें, आपसे पूछें दूध में घी है, तो आप कहेंगे हां बेशक है, दिखाइए जरा क्या है। आप कहेंगे इस तरह दिखाई नहीं देगा, जब हम उसे मखसूस तरीके से जमाएंगे, झटके देंगे, तो दूध के अंदर जो घी के रेजे हैं दूध उन्हें अलग कर देगा और पानी अलग कर देगा। क्या बस इंसान की भूल तो इतनी ही है, अगर दूध को झटके दिए जाए तो यकीन कर लेता है कि दूध के रेजे अलग हो जाएंगे। खुदा भी तो कुरान में यही बात कहता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को जबरदस्त झटके दिए जाएंगे तो जमीन अपने अंदर के खजानों को उगल के एक तरफ रख देगी। तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो इस एतबार से देखे कि मालिक की नेमतें कितनी अजीम है, कुरान ने साफ लफ्जों में कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को जबरदस्त झटके दिए जाएंगे,
तो कयामत पर एतमाद, दुनिया में भरोसा अल्लाह की जात पर। और जब अल्लाह की जात पर भरोसा हो जाता है तो फिर बाली बागिल बातिल गिरोह से कोई डरता नहीं है, और फिर डट के मुकाबला होता है। भरोसे की मिसाल कुरान मजीद ने भी पेश की है, हमारे नबियों की जिंदगी में भी बेपनाह है, यहां तक कि जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में जो उन्होंने तवक्कुल परवरदिगार किया है उस सिलसिले में कुरान मजीद में भी मिलता है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब हाजरा को छोड़ के आए ऐसी जगह पर जहां ना आबादी है, ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है। खुदा की कसम, आज जब के लाइट दूर से भी बहुत दूर को कर देती है, अगर यहां जल रही है तो थोड़ी बहुत दूर तक रोशनी पहुंच जाती है, मगर जब रोशनी नहीं थी, चिराग नहीं था, तन्हा एक बच्चे को आगोश में हाजरा की ऐसी जगह नहीं बल्कि जहां पहाड़ों के झुंड थे और आबादी का नाम और निशान नहीं था, वहां एक मां की आगोश में बस एक बच्चा था और मां तन्हा थी। और जब मां को जनाब इब्राहिम ने कहा यहां तुमको रहना है, जनाब हाजरा ने एक सवाल किया, तवज्जो रखिए, जनाब हाजरा ने सवाल किया, ए इब्राहिम ये बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो कि अपने खुदा की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा खुदा की मर्जी से छोड़ के जा रहा हूं। जनाब हाजरा ने शिकवा नहीं किया, हमारा ख्याल ना करो तो इस बच्चे का ख्याल करो, हमारी बात नहीं मान सकते तो इस बच्चे का ख्याल करो, ये बच्चा कैसे रह जाएगा, बल्कि आगोश में लेके मां बच्चे को बैठ गई और यह कह के बैठ गई जिसने हुक्म दिया है यहां छोड़ने का वही मेरी गिजा का इंतजाम करेगा, मेरे लिए एहतमाम करेगा। और उसके बाद हालात पर बेकार हुए, जो एक छागुल पानी जनाब इब्राहिम रख के आए थे वो थोड़ी देर में खत्म हो गया, बच्चे के होंठ खुश्क हो गए, मां की दूध मां की आगोश का दूध खुश्क पड़ गया, मां बेकरार हो गई। तवज्जो रखिए, जब मां बेकरार हो गई, ए खुदा दे दे, खुदा पे भरोसे का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, एक नबी की जौजा है, एक नबी की मां है, अगर बगैर मेहनत के देना होता तो नबी की मां को दे देता, नबी की जौजा को दे देता, मगर कुदरत ने थोड़ा हाथ रोक के कहा जब तकदीर का दामन कम पड़ जाता है, तकदीर अपनी आगोश में ले लेती है, पहले तुम अपनी तकदीर तो करो, फिर तकदीर के हाथ फैल जाएंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तदबीर के हाथ कमजोर पड़ जाएंगे, जितनी जनाब हाजरा में ताकत थी उतनी ताकत को कुदरत ने इस्तेमाल कराया, और जब सारी ताकत इस्तेमाल हो गई तो रहमत खुदावंदी ने अपनी आगोश में ले लिया। और फिर एक हदीस और मिलती है जहां से ना मिलने का गुमान हो के यहां से नहीं मिलने का, वहां से ज्यादा भरोसा मिल रखा करो यहीं से मिलेगा, जहां से ना मिलने की उम्मीद हो हदीस है, जहां से ना मिलने की उम्मीद हो वहीं से मिलने की उम्मीद ज्यादा रखा करो, इसलिए कि जनाब हाजरा इस्माइल के कदमों में पानी तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि कभी सफा पे जाती थी, कभी मरवा पे जाती थी, वहां जहां ढूंढ रही थी वहां तो मिला नहीं, और जहां ढूंढ नहीं रही थी वहीं से कुदरत ने चश्मा पैदा कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत के खजाने, वहीं से कुदरत ने चश्मा पैदा कर दिया। और जब कुदरत ने चश्मा पैदा कर दिया तो बहुत तवज्जो से समझिएगा, बहुत तवज्जो रखिएगा, ये बताइए मांगने वाली मांग क्या रही थी, मांगने वाली मांग क्या रही थी, मांगने वाली मांग रही थी एक गिलास पानी, मांगने वाली मांग रही थी एक मशकीजा पानी, अगर बहुत दे देता, अगर बहुत जरूरत थी तो एक और दे देता, मगर पता चला जब हम कुदरत पे भरोसा करते हैं तो वो हमारी औकात से ज्यादा देता है। और ये तो समझाने की बात है कि एक के बदले दस देता है, अगर एक के बदले दस होता तो बस दस प्यासे इस्माइल के चश्मा दमदम से दस हाजी से सैराब होते, मगर जब से चश्मा दमदम है और जब से हज का हज का जमाना है करोड़ों हाजी जा रहे हैं, चश्मा दमदम ला रहे हैं, और ये चश्मा दमदम है जो तमाम होने का, बस बहुत तवज्जो रखिएगा, जो एक नबी को बचा लेती है जब उसका नाम नहीं मिट सकता, और जिस जैनब ने नबी को नहीं बल्कि सारी कायनात के नबी को भी बचाया, इमामों को भी बचाया, जब हाजरा की शान यह है तो उस जैनब की इज्जत क्या होगी जिसने हुसैन को बचा लिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
है। एक इस्माइल को जनाब हाजरा ने बचाया, एक इस्माइल के लिए कोशिश की, और अब जब इमाम हुसैन का जमाना आया, जनाब इस्माइल का जमाना कुछ और था, उसमें दीन की हैसियत कुछ और थी, नेक अलग थे बुरे अलग थे। जनाब इब्राहिम का जब जमाना आया, नेक अलग थे बुरे अलग थे। पैगंबर इस्लाम का जब जमाना आया, नेक अलग थे बुरे अलग थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम के नवासे का जमाना आया तो इत्तेफाक ऐसा इस्लाम बन गया था, जो नेक था वही बुरा था और जो बुरा था वही नेक बन गया, और इस्लाम का जो खलीफा था, जो शराब पीता था वही इस्लाम का खलीफा थे, खलीफा भी था। ज्यादा मुसलमान ही एतराज कर देते हैं, अरे जब सारे मुसलमान खामोश थे तो हुसैन को भी खामोश रहना चाहिए था। चले हुसैन की खिदमत में चलते हैं, आका आप क्यों उठ गए, मौला आप क्यों बोले, आप क्यों निकल गए, आपने क्यों जिहाद किया। पहले एक मसलन इसकी मिसाल सुन लीजिए, इमाम शायर फरमाए मिसाल ये है, मसलन हम सब यहां मजलिस सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई खबर दे दे मेरे घर में आग लग गई, खुदा आपके घरों को सलामत रखे, तो मेरा अपने आप में हौसला बाकी नहीं रह सकता, मैं परेशान हो जाऊंगा। आप हाथ पकड़ के कहेंगे अरे मौलवी साहब हम भी तो सुकून से बैठे हैं, आप भी सुकून से बैठ जाइए, तो मेरा जवाब यह होगा घर आपका नहीं जल रहा है, घर मेरा जल रहा है। तो इमाम हुसैन का भी जवाब यह था, ये जो सब खामोश बैठे हैं इनमें तो बताओ तो सही किसके बाबा का दीन है, किसके नाना का दीन है। दीन तो मेरे बाबा का है, दीन तो मेरे नाना का है, दीन तो मेरी वालिदा का है। ज्यादा जो फरीदा दीन को बचाने का मुझ पे होता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, जब बैत का मुतालबा आया तो इमाम हुसैन ने कहा मैं इस बैत को कबूल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मेरा खुदा कबूल नहीं करेगा। मैं इस बैत को कबूल नहीं कर सकता इसलिए कि मोमिनीन बैत को कबूल नहीं करेंगे। मैं इस बैत को कबूल नहीं कर सकता इसलिए कि मेरी मां की पाकीज़ा आगोश का दूध इस बैत को कबूल नहीं कर सकता। बस यही से कहना पड़ता है, अरे जिस आगोश से दूध हुसैन ने पिया उसी आगोश का तो दूध ज़ैनब ने पिया। जितना इनकार हुसैन को था इतना ही इनकार बैत ज़ैनब को था। जो आगोश में मैं परवान चढ़ाऊं, मेरी मां की पाकीज़गी तहारत, मेरी मां की तहारत इस गंदगी को कबूल नहीं कर सकती। मैंने पाकीज़ आगोश से दूध पिया है, जिस आगोश से है हुसैन ने दूध पिया उसी आगोश से शहजादी ज़ैनब ने दूध पिया। और फिर अब जो चली मैदान करबला तक, एक जुमला अर्ज करता हूं, सबकी जिम्मेदारी दिखाई देती है। मुख्तसर सी जिम्मेदारी अदा करने के बाद सब बारगाह खुदावंदी में पहुंच गए और सबका एक अलग अलग अंदाज था। अली अकबर थे, हुसैन हुसैन थे, और जैनुला बेदीन जैनुला बेदीन थे, मगर जनाब ज़ैनब को कई रुखों में देखा गया। कभी अली बन गई, कभी हुसैन बन गई, कभी अब्बास बन गई, तो हैदर बन गई। और एक शायर ने बहुत अजीम शेर कहा, माना कि सब्र व ज़ब्त की मंजिल है करबला, माना कि सब्र व ज़ब्त की मंजिल है करबला। ज़ैनब तो करबला से भी आगे निकल गई, ज़ैनब तो करबला से भी आगे निकल गई। और अली की बेटी अब जो ये सारी कुर्बानियां वहीं से चलिए, पहले लफ्ज से जहां से मैं आपको सुना रहा हूं, अगर वो पहली बातें आपको याद नहीं होंगी तो ये अगली बातें यकीनन समझ में नहीं आएंगी। लिहाजा ज़ैनब तो करबला से भी आगे निकल गई। जनाबे हाजरा ने इस्माइल को बचाया, और जनाबे ज़ैनब जरा देखिए तो सही, एक नबी की कुर्बानी बर्बाद नहीं हो रही थी बल्कि 24,000 1,24,000। इसीलिए जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं तो कहते हैं इब्राहिम के वारिस तुझ पे सलाम। बस इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं ऐ खदीजा की वारिसा तुझ पे सलाम, ऐ सैयदा की वारिसा तुझ पे सलाम, ऐ इब्राहिम की मां की वारिसा तुझ पे सलाम। हुसैन अगर नबियों के अंबियों के सरदार है और नबियों की मेहरबानी और कुर्बानियों को बचाया, तो ज़ैनब ने तमाम औरतों, ज़ैनब ने फातिमा को बचाया, ज़ैनब ने
वरना लोगों ने जो इनके पास जबाने थी, जो इनके पास मशीनरी थी, एक हुकूमत कितनी जल्दी अपनी बात पहुंचा सकती है? रात के 12 बजे सन्नाटे में तय होता है कल नोट बंद, और हुकूमत में इतनी ताकत होती है कि कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जिसको इस कानून का पता नहीं था। कितनी जल्दी समाज में खबर पहुंच गई और हुकूमत में कितनी ताकत होती है इससे आप समझ सकते हैं। मगर ज़ैनब में कितनी ताकत थी, हुकूमतें नीलाम हो गई और ज़ैनब ने जो बात कही है वो आज तक जिंदा है। हुकूमत की पूरी ताकत लगी हुई थी, जबाने खरीदी हुई थी कि मिंबरों से लोगों को बताओ कि खारजी ने खुरूज किया है, लोगों के लश्कर और ताकत खरीदी गई थी, हर जगह मस्जिदों के मुल्ला खरीदे जा चुके थे, हर जगह मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा था, बिकने वाले चीज को मुंह भर के दाम दिए जा रहे थे और हर कोई यही कह रहा था यजीद हक पर है, यजीद हक पर है। मगर जब ज़ैनब ने शाम के दरबार में खुतबा दिया और एक मर्तबा यजीद की आंखों में आके डाल के कहा, यजीद तू ये सोच रहा है कि हमें कत्ल करके तू इज्जत पा गया? कुरान मजीद की ये आयत याद कर जिसमें खुदा ने काफिरों से कहा है हमने तुम्हें मोहलत इसलिए दे रखी है ताकि तुम अपनी सरकशी जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, इसलिए तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, इसलिए मगरूर ना हो, और तू हमें दलील नहीं कर सकता इसलिए कि हमें इज्जत खुदा की दी हुई है, लोगों की दी हुई इज्जत। जिसे लोग इज्जत दे देते हैं उसे बहुत जल्दी जलील भी कर देते हैं। जिसे लोग इज्जत देते हैं उसे लोग बहुत जल्दी जलील भी कर देते हैं। मसलन इसको यूं समझ लीजिए, देखिए एक बात ये भी याद रखिएगा मेरी मजलिस से, तो मैं बहुत जमाने से पढ़ता हूं, एक बहुत जमाना हो गया, तवील अरसा हो गया। भावनगर में तो मैंने उस वक्त मजलिस से पढ़ी है जब ये मेरे मूंछ का एक भी बाल नहीं था, मुझे याद है, और जिन्होंने मुझे देखा है उनको भी ये बात याद है। ऐसे मेरे दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने उस जमाने में भी मुझे देखा है। तो लेकिन कहने का मकसद यह है कि मजलिसें, मेरी मजलिसें या जो मेरा खिताब होता है वो खुदा के लिए होता है, ना मुझे किसी की तारीफ करनी आती ना मुझे किसी को सलाम करना आता, खुदा की कसम। और यहां को छोड़ के, यहां तो मैं पहले आया था लेकिन यहां को छोड़ने के बाद अगर मैं ये कहूं कि हर हफ्ते आपके दरमियान में मैं रहता हूं तो मैं रहता हूं, इतनी मजलिस में गुजरात में पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई कमी और दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने जो जुमला कहा उस वजह से कि यहां पर थोड़ा थोड़ा सुनने में आया कि वोटिंग का जमाना चल रहा है और मेरी बात भी उसी से मुताल्लिक है, तो मैंने इसलिए ये बात वाजे कर दी कि मेरी बात अपनी बात है, लिहाजा कहीं पर अगर जुड़ जाती है तो उसे जोड़ा ना जाए। ठीक, जुमला मेरा यह था कि जब जिसे लोग इज्जत देते हैं उसे बहुत जल्दी दलील भी कर देते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर वोटिंग के जमाने को ले लीजिए, इलेक्शन के जमाने को ले लीजिए। मसलन हमने किसी को, एक नेता साहब को वोट दिए, उठा के नेता बना दिया, एमपी बन गया। अब जिस जमाने जिस गली से भी गुजरते हैं वो फोर्स लग जाती है, सैल्यूट लग जाते हैं, लोगों की लाइन हो जाती है और सुनने के लिए लोग मजमा भीड़ हो जाता है। लेकिन थोड़े दिन गुजरे थे, वो जो ओहदा हमने दिया था अगले साल जाके हमने वोट नहीं दिए, वो एमपी का ओहदा उन्हें मिला नहीं, अब कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो लोग जिसे इज्जत देते हैं जितनी जल्दी इज्जत देते हैं उतनी जल्दी दलील भी कर देते हैं, मगर खुदा जिसे इज्जत दे देता है। यजीद की इज्जत लोगों की दी हुई थी, अहले बैत की इज्जत खुदा की दी हुई थी। जब ये अपनी इज्जत पर अकड़ रहा था, मगरूर हो रहा था, और जनाब ज़ैनब ने कहा हमारे लिए तो यही शर्फ क्या कम है कि अली हम में से है, रसूल अल्लाह हम में से है, जाफर हम में से है, और ये जब जनाब ज़ैनब ने शेर खुदा हमजा हम में से है, अकील हम में से है, अली हम में से है, हुसैन हम में से है, हसन हम में से है, और
और जब ये बातें बयान की और बयान करने के बाद हमारे फख्र के लिए इतना ही काफी है। और एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए यज़ीद जरा बता तो सही, अगर जो तू हमारे लिए फरमान जारी कर रहा है, अगर हम यहां होते और ये फरमान हमारा जद हमारे जद जारी करते तो बताओ तो सही हमारे लिए कौन सा। और फिर आंखों में डाल के कहा, आंख डाल के कहा, यज़ीद तू अंबिया की औलाद का खून बहाता है और समझ रहा है कि हम इज्जतदार थे। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने यह बात कही, वहीं सफीर रूम बैठा हुआ था, मर्तबा सफीर रूम ने कहा, ये कौन है? यज़ीद ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? ताकि मैं जब रूम जाऊं तो जिस बात पे तुम खुशी मना रहे हो मैं रूम में बता तो सकूं कि तुमने किस पे फतह पाई है, तुमने किसे कत्ल कर दिया है, तुम किसे असीर बना के लाए हो। मर्तबा यज़ीद ने मुस्कुरा के कहा, ये ज़ैनब है, बिनते अली है। का अली कौन है? का फातिमा के शौहर। का फातिमा कौन है? का रसूल की बेटी। का नालायक हो तुम पे खुदा की लानत हो, इसलिए कि मैं जनाब ईसा की ना जाने कौन सी पुश्त में से हूं, मगर जिस गधे पर जनाब ईसा सवार होते थे उसके पैर का निशान एक हमारे पास मौजूद है, उस जगह पर हमने कलीसा बना दिया। लानत हो तुम पर, तुमने अभी अपने नबी के कफन को मैला भी नहीं होने दिया और उनकी बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया। ये जनाब ज़ैनब की कमाल था कि यजीद के दरबार में एक खुतबे में इनकलाब पैदा कर दिया और इसी इनकलाब का नाम हुसैनियत को बाकी रखा तो जनाब ज़ैनब ने जिंदा किया। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब ज़ैनब का खुतबा और आपने बताया हम अहले दाते नबूवत हैं। वहीं पर एक कनीज खुदा खड़ी हुई है, यज़ीद मैंने पैगंबर को अपने आंखों से देखा है हुसैन के लबों के बोसे लेते हुए। अब जरा देखिए तो सही, हक वो है जो दुश्मन के सर पे चढ़ के बोलता है। और जनाब ज़ैनब का कमाल था कि दरबार में जब ये खुतबा दिया दरबार का पूरा रंग बदल गया, यज़ीद का रंग बदल गया। और शामी ये पूछ रहे थे कि नबी की औलाद को आखिर कत्ल कर दिया गया जिस पर सारी हुकूमत और ताकत अपनी सर्फ कर दे। जनाब ज़ैनब की कामयाबी और कुर्बानी वो है कि हुकूमतों की ताकत मांद पड़ गई और ज़ैनब की कुर्बानी जिंदाबाद हो गई। और यहीं से पता चलता है ये जिक्र हुसैन ये जिक्र अहले बैत जनाब ज़ैनब ने है जो सबसे पहले जिंदा किया। और जिंदा ही नहीं किया, यही खुतबा रिहाई का सबब बना, इसलिए कि शामियों में इनकलाब पैदा हो गया था। और जब शामियों में इनकलाब पैदा हुआ तो एक दिन वो भी आया जनाब ज़ैनब को रिहा कर दिया गया। और जो लोग इस काफिले को असीर करके लेके गए थे वही लोग इस काफिले को वापस ला रहे थे, मगर ज़ैनब के खुतबे ने इतना बदल दिया कि जब लेके जा रहे थे तो अजियत पहुंचा रहे थे, अब लेके आ रहे हैं तो हिफाजत कर रहे हैं। सोचो ज़ैनब के खुतबे ने कितना इनकलाब बर्पा कर दिया। इसी इनकलाब की जो खातून बुनियाद है उसी को तो जनाब ज़ैनब बिनते अली कहते हैं। लिहाजा उसके बाद मदीने में आई और मदीने में आने के बाद अपनी कुर्बानियों के तज़किरे किए, लोगों के दिलों में अहले बैत, यहां तक कि एक शायर ने क्या खूब कहा, तेरे खुतबों का फैन है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो हुसैनियत और पूरी कुर्बानियों को वाकई जो कारनामे जनाब ज़ैनब ने अंजाम दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये मिसाल कायनात में अजीम है, इसीलिए हर मजलिस कोई भी हो कोई ऐसी मजलिस नहीं है जो तज़किरा ज़ैनब से खाली हो। और हर मजलिस में ज़िक्र ज़ैनब, कल मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया, जनाब ज़ैनब अगर ये कहूँ कि माँ मसाइब की इब्तिदा है तो फिर ये जुमला कहना पड़ता है तो बेटी मसाइब की इंतहा है। गौर कीजिए आप अहले बैत पर, मसाइब कहाँ से शुरू हुए? जनाब फातिमा से। जनाब फातिमा से मसाइब की बुनियाद पड़ती है। नबी की जिंदगी में तो अहले बैत की जो शान और इज्जत थी वो तो सारी दुनिया जानती है,
मगर नबी की आंख बंद होते ही अहले बैत के दरवाजे पर आग और लकड़ियां इकट्ठी कर दी गई और जनाब ज़ैनब ने वो माहौल भी देखा जिसमें माँ की एक रिवायत पढ़ रहा था, किताब का मुतायला कर रहा था। ये जुमला जब मेरे सामने से गुजरा तो बहुत देर तक मैं खुद अकेला और तन्हाई में रोता रहा। रिवायत ये है कि जनाब ज़हरा एक रोज़ उठी अपने बिस्तर से, अपना लिबास बदला और जनाब असमा से फरमाया, असमा देखो मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, अगर मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे तो समझना सैयदा नबी की बेटी जिंदा है, और अगर मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाए तो समझना नबी की बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। और उन्हीं बातों में एक वसीयत की, ऐ असमा इमाम अली से भी वसीयत की, ऐ अली मुझे लिबास के ऊपर से गुस्ल दीजिएगा, मुझे लिबास के ऊपर से गुस्ल दीजिएगा। जब मुफस्सिर जो बेतारीख नवीस ने इसकी जुमले की वजाहत की वहां तहरीर करते हैं, शायद सैयदा ने इसलिए ये वसीयत की थी कि अली को मेरे जख्म न दिखाई दे और मेरी छोटी पतलियां ना देख सके, इसीलिए अली से ये सैयदा ने ये वसीयत की थी, या अली मुझे लिबास के ऊपर से गुस्ल दीजिएगा। जरा देखो तो सही, फातिमा ने इब्तिदा में कितने मसाइब पढ़े और उसके बाद वही जुमला खुदा की कसम जनाब ज़ैनब ने दोहराया, ऐ नाना अगर नामहरमों का यह मजमा ना होता तो पुश्त के निशान दिखाती, दालिमों ने कैसे ताजियाने मारे, दालिमों ने कैसे कोड़े मारे हैं। कोई मौका ऐसा नहीं था जहां दालिमों ने ताजियाने ना मारे हो, कोई मौका ऐसा नहीं था जहां जनाब ज़ैनब के मसाइब के तो इंतहा है। इसलिए मैंने देखा मैदान करबला में ज़ैनब हर किसी के गम में गम गुसार है, अगर अली अकबर जाते हैं तो कौन अली अकबर जिन्हें ज़ैनब ने परवान चढ़ाया है। और अली अकबर को परवान चढ़ाने के लिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब इमाम हुसैन से हजरत अली अकबर इजाजत लेने के लिए आते हैं तो मौला ये नहीं कहते बेटा जाओ मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, बल्कि कहते हैं जाओ पहले अपनी पालने वाली से इजाजत लो, अपनी फूफी से इजाजत ले लो, अगर तुम्हें फूफी ने इजाजत दे दी तो मेरी इजाजत मौजूद है। अली अकबर आते हैं फूफी की खिदमत में, ऐ फूफी जान हमें रन की रजा दे दीजिए। अरे जनाब ज़ैनब किसी सूरत में तैयार नहीं होती कि अली अकबर को रजा दे। एक मरतबा अली अकबर एक जरा छोटा सा जुमला कहते हैं, ऐ फूफी अम्मा अगर दादी अम्मा ने मालूम कर लिया कि तुम्हारा हुसैन अजीज था या अली अकबर अजीज था, ऐ फूफी अम्मा हम तो जवाब नहीं देंगे, आप ही जवाब दे दीजिएगा। मगर अल्लाह अकबर हुसैन पे जो सबसे ज्यादा मसाइब का गम था वो जनाब शहजादी के पर्दे का गम था। हुसैन के कलेजे में ये बात रह रह के याद आती थी, मेरी बहन ज़ैनब की रिदा छीन ली जाएगी, मेरी बहन ज़ैनब को सर खुले दरबार में फिराया जाएगा। अली में दीन के मसाइल हैं। वो कहते हैं कि जब हुसैन के असीर को जनाब ज़ैनब को दरबार शाम में ले जाया जा रहा था और एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद ना महरमों की भीड़ लगी हुई है, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। सैयद सज्जाद ने कुछ ना कहा, बस इशारा किया, फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखो। अब जो हुसैन के सर की तरफ देखा, हुसैन की आंखों से आंसू जारी थी, मरतबा बेटी बीबी ने जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अगर तुम्हें यह भी गवारा है तो लो ज़ैनब नंगे सर दरबार में चली जाएगी। रिवायत कहती है अरे ज़ैनब ने दरबार में पैर रखा, हुसैन की आंखें बंद हो गई, इसलिए हुसैन नहीं देख सकते थे उनकी बहन ज़ैनब दरबार में खुले सर जाए। ये ज़ैनब के कितने बड़े मसाइल हैं, मसाइल इतने बड़े हैं। जब किसी ने सैयद सज्जाद से कहा, ऐ मौला कितना रोइएगा, अरे शहादत तो आपकी मीरात है, कलेजा पकड़ के कहते हैं अरे मां बहनों का खुले सर देखना जी क्या हमारी मीरात है। ये ज़ैनब के मसाइब है। हर कदम पर ज़ैनब ने गम उठाया, नबी की लाडली अली की बेटी ने जख्मों से चूर हो गई, दीन को बचाया। अला इलाहा इल्लल्लाह अला कौमिल आलमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हमें शहजादी ज़ैनब की सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें मुसलमान दुनिया से उठाना और दुनिया में मुसलमान रखना ऐसी तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जब हमें तू महशूर फरमा तो मुसलमान कह के महशूर फरमा। परवरदिगारा हमारे किरदार में नेकियां और हमारे किरदार को बुराइयों से पाक फरमा, और जब हमारा किरदार पाक व पाकीज़ा हो जाए तो हमारे मौला और आका के ज़हूर में ताजील फरमा, और जब वो आ जाएँ तो हमें उनके आवान अनसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम।